लगता है बारिश से पूरी तरह पीछा छूटा नहीं है अब तक। आसमान देखो गजब। कावासाकी ZX10R, इसको रेन मोड पे डाल देते हैं। हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह के अभी 8:10 हो रहे हैं और हम लोग थोड़ा बहुत तैयार होके ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे हैं। सो बेसिकली यस्टरडे वी डिड नॉट लाइक दी ब्रेकफास्ट एट दी होटल दैट मच। और चिकमंगलूर में देर आर कपल ऑफ वेरी गुड ब्रेकफास्ट जॉइंट्स दैट वी आर अवेयर ऑफ, हमने पहले भी ट्राई किया हुआ, जैसे कि अरमाने है, वहाँ पर हमने पिछली बार खाया था, बहुत अच्छा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज टाउन कैंटीन ऑल्सो विच इज़ वेरी फेमस फॉर ब्रेकफास्ट इन चिकमंगलूर। दोनों ही जो पॉइंट जो हैं हमारे होटल से बहुत पास है। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया हम कहाँ जाएंगे, विल डिसाइड इन सम टाइम, बट हम जाएंगे इतना पता है। तो हम तैयार होकर आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं फॉर दी ऑटो, जिसको हमने कल अपने पिछले ब्लॉग को देखा होगा, हमने सेटिंग कर ली थी उनके साथ। तो ही इज़ कमिंग एंड वी आर रेडी, विल गो हैव गुड ब्रेकफास्ट बिफोर वी स्टार्ट आर जर्नी फ्रॉम चिकमंगलूर। तो आज हम वापस चले जाएंगे, किसी भी ट्रिप से जब वापस जाने वाला दिन आता है तो एनीवे दिल थोड़ा सा भारी होता है, यू नो, क्योंकि ट्रिप ख़त्म होने वाला होता है, कल से वही ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। बट हर एक जर्नी का अपना ही मज़ा है, तो आज भी हम जाएंगे मज़े करते हुए बाइक पे करके वापस जाएंगे। बट या बिफोर दैट जर्नी बिगिंस फ्रॉम हियर, वी वांटेड टू हैव अ टेस्ट ऑफ चिकमंगलूर ऑथेंटिक डोसा और इडली। सो लेट्स सी, चलो ऑटो आ चुका है और हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ऑटो वाले भैया ने हमको बोला कि यहाँ पे टाउन कैंटीन का डोसा सबसे बेस्ट है। सो वी डिसाइडेड कि हम अरमाने नहीं, दिस टाइम वील ट्राई आउट टाउन कैंटीन के गर्मा गर्म डोसे एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। डोसे इधर ही है। हाँ, सो वी हैव रीच टाउन कैंटीन। अगर हम वहाँ से चले जाते आगे थोड़ा तो अरमाने और थिंडी करके भी जगह जो बहुत अच्छा है, बट वी हैव कम हियर। चलो अंदर चलते हैं। दिस इज द मेन्यू, बटर मसाला डोसा इज हियर। अभी हम इस पर टूट पड़ेंगे। दे डोंट सर्व सांभर बाई डिफॉल्ट, बट आप मांग सकते हो, सो दे गिव इट इन दिस काइंड ऑफ अ बाल्टी। लेट्स ट्राई द डोसा। सुपर, गर्मा गर्म कॉफ़ी जो है आ चुका है, अब हम कॉफ़ी पियेंगे। So this place, Town Canteen, is a must. तो चिकमंगलूर में हो तो ज़रूर आना, तो आप ब्रेकफास्ट करो। अभी चलते हैं होटल। सो हम लोग होटल पहुँच चुके हैं, अभी जाएंगे सामान वामान रेडी करेंगे और फिर निकलना है हमको। We'll try to leave maximum by 11, but उससे पहले अभी एक छोटा सा काम करना है। वो काम ये है, अपने टाइगर को थोड़ा साफ करना है। हम लोग सामान वामान लेके निकल चुके हैं।
रेडी एंड किटेड अप टू बिगिन द जर्नी फ्रॉम चिकमगलूर बैक टू बैंगलोर। ऑटो भी आ चुका है, सो मॉम डैड को ऑटो में चढ़ा देंगे एंड वील स्टार्ट बाई बाइक ऑन आवर टू व्हीलर। तो चलते हैं, सामान वामान बांधते हैं बाइक पे। एंड वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी टूवर्ड्स बैंगलोर फ्रॉम चिकमगलूर। इट्स एग्जैक्टली 11:15 AM नाउ एंड ETA इज शोइंग एज 4 PM। तो पौने 5 घंटे का जर्नी बता रहा है राइडिंग टाइम। ऑफकोर्स वील टेक सम ब्रेक इन बिटवीन, लंच के लिए कहीं पे रुकेंगे। अभी रेंज फिलहाल तो 100 के ऊपर दिखा रहा है, सो चलो चलते हैं। अच्छा रहा काफ़ी ये पिछले 2 दिन यहाँ पे इन चिकमगलूर। पहला दिन तो हम राइड करके आए थे एंड दैट वाज ऑन वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे, सो दैट वाज अ गुड कोइंसिडेंस कि उसी दिन में हमारा ये ट्रिप प्लान था और आज हम वापस जा रहे हैं। ट्रिप मीटर को हमने 0 कर दिया है। ये वही मार्केट वाला रोड है, दिस इज़ पांडुरंगा कॉफ़ी जहाँ हम आए थे, और इसके ठीक थोड़ा आगे वर्ल्ड ऑफ कॉफ़ी, ये रहा ब्यूटीफुल प्लेस। आगे कोई पेट्रोल पंप मिलेगा तो अभी भरवा लेंगे। उल्टा उतार दिए क्योंकि बारिश तो अभी फिलहाल हो नहीं रही थी, तो देयर वाज नो पॉइंट वेयरिंग इट एंड राइडिंग। हमने उतार के रख दिए एंड ऑन वी गो। अभी और 2 घंटा 24 मिनट का जर्नी बचा हुआ बता रहा है, रफली 150 किलोमीटर। अब तक 128 किलोमीटर हम चल चुके सिंस वी स्टार्टेड। अभी थोड़ी देर बाद लंच करने के लिए रुकेंगे, कुछ अच्छा दिखेगा ऑन द वे तो हम रुक जाएंगे, रुक के लंच कर लेंगे। अभी टाइम 1:50 हो रहा है तो भूख वैसे उतनी ज़्यादा लगी नहीं है, हल्की हल्की ही लगी है, बिकॉज मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट था ना वो एकदम सुपर्ब था। सो वंस अगेन इट्स अ रिकमेंडेशन फ्रॉम मी, इफ़ यू आर इन चिकमगलूर डोंट मिस ब्रेकफास्ट एट टाउन कैंटीन। स्काईलाइन देख रहे हो, मस्त लग रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया लग रहा है, वेदर एकदम मस्त हो गया है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि दोपहर के 2 बजने ऑलमोस्ट। मज़ा आ रहा है, फुल मज़ा आ रहा है। आपको भी अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ऐसे अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे हम आपको दिखाते रहेंगे। लगता है बारिश से पूरी तरह पीछा छूटा नहीं है अब तक, कभी भी बरस सकती है। आसमान देखो, गजब, उस तरफ भी और उस तरफ भी।
चलो बारिश आए तो आए, अपन अपना काम करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। कावासाकी ZX10R भाई का पीठ जरा देर लग रहा उसका पोजीशन एकदम झुका हुआ होता ना, इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक। अंगड़ाई ले रहा है देखो बेचारा अपना टाइगर मस्त है भाई, कोई पीठ दर्द नहीं कुछ नहीं, बस घंटों घंटों चलाते रहो। यहाँ खाने का कुछ अच्छा आएगा, खा भी हटा दे है? चलो यहाँ रुकते, पहुंच गए हैं पाकशाला। भूख लगी है बहुत, चलो पेट पूजा किया जाए। वेदर देखो, हेलो बाबा, हेलो तो बिस्किट खिला लेंगे जाते वक्त। चलो वन घी राइस, वन दाल फ्राई, और एक तो ये बोल मसाला पापड़ स्टार्टर को, और एक मसाला पापड़ को, और फर्स्ट स्टार्टर, इनफैक्ट ओनली स्टार्टर मसाला पापड़ आ चुका है। मशरूम चिली, लंच डन, अभी गियरिंग अप फॉर द लास्ट स्ट्रेच ऑफ द राइड। यहाँ से और डेढ़ घंटा लगना चाहिए घर पहुँचने में, सो अभी टाइम आई थिंक 3:15 हो रहा होगा, निकलते हैं। फूड इज़ गुड बाय द वे, पाकशाला फॉल्स ऑन द वे, नीलमंगला टोल के बाद। इनफैक्ट स्वाति डेलिकेसी, अगर आपने इस चिकमंगलूर ट्रिप का पहला व्लॉग देखा होगा तो उसमें जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था ये पॉइंट उससे बहुत ही पास है। सो वाइल रिटर्निंग दिस फॉल्स बिफोर, इसके बाद वी विल क्रॉस स्वाति डेलिकेसी। अगर आप उस दूसरे फूड से भी जा रहे हो तो यहाँ पे यू टर्न लेके आप अंदर आ सकते हो, यू कैन हैव गुड फूड, द फूड वॉज रियली रियली गुड गाइज, बहुत अच्छा था। सो अनदर रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड, चलो नाउ लेट्स हिट द रोड। लंबा ब्रेक हो गया एक्चुअली, टाइम हो रहा है 3:25 ऑलमोस्ट, 120 किलोमीटर का जर्नी बचा हुआ है। आई थिंक थोड़ा सा ट्रैफिक अभी बढ़ गया है, विच इज़ वाई ETA भी थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, बट कोई नहीं, 5:30 से 5:45 के अंदर तो पहुंच जाएंगे अगर हमने कोई ब्रेक नहीं लिया तो। देख के बच्चे एक्साइटेड, आसमान देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है बारिश हमारी ही वेट कर रही है, जैसे ही पहुँचेंगे बरसने लगेंगे। ऊपर देखो भाई साहब, बाप रे पूरा काला हो रखा है, बारिश तो मिलनी ही मिलनी है लग रहा है सर, जितने देर से मिले उतना अच्छा है, घर के नज़दीक पहुंच जाते हैं फटाफट, फिर बारिश आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे तो मार्केट बैठा हुआ है और इतने सारे गाड़ियाँ यहाँ रुक रुक के बाज़ार से चीज़ें खरीद रहे हैं,
हाईवे के ऊपर, ये सही है। और यहाँ पे आगे थोड़ी थोड़ी बारिश ऑलरेडी हो चुकी है इट सीम्स, क्योंकि रोड थोड़ा सा भीगा भीगा सा है। यहाँ पर तो काफ़ी बारिश हुई है ऐसा लग रहा है, रोड्स पूरे भीगे हुए हैं। प्रॉब्लम ये होता है ना कि बारिश हो तो नहीं रही है, लेकिन सिंस रोड इज़ वेट तो गाड़ियाँ जब जाती हैं तो वो पानी के छींटे उछालते हुए, सो थोड़ा थोड़ा आप भीग जाते हो, यू नो वाटर स्प्रिंकल्स आके आप पे लगती है। एंड If you continue like this for long, you will get wet. आपका जैकेट भीग जाएगा भले ही अंदर तक ना भीगे। इसको रेन मोड पे डाल देते हैं और रेन मोड कंफर्म कर दिया है, अभी बाइक जो है रेन मोड पे है। वापस हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, इसलिए अभी हम जैकेट पहन लेंगे, रेन लाइनर्स। चलो भैया, बारिश हल्की हल्की हो रही थी सो वी स्टॉप्ड टू वेयर द रेन लाइनर्स, और जैसे ही हमने पहना बारिश रुक गई एज यूजुअल, यही होता है। अगर हम नहीं पहनते ना तो पक्का आगे जाके तेज बारिश मिल जाती हमको, यही अपनी किस्मत है भाई, क्या करें। कोई ना, चलो टाइम हो रहा है अभी 4:15, 5:30 से 6 के बीच में होपफुली घर पहुंच जाएंगे अगर बारिश ने ज़्यादा परेशान नहीं किया तो। टोल रोड अभी ख़त्म हो रहा है ये वाला, अब आगे से राइट मारेंगे और फिर थोड़ा आगे जाके हमको नाइस रोड पकड़ना है। बस 60 किलोमीटर रह गए हैं घर पहुंचने को। हेलो, अबे यार ट्रैफिक हो रखा है, देखो पूरा लाल है। दिस इज जस्ट द पॉइंट जहाँ से 500 मीटर आगे जाके ही हमें नाइस रोड पे उठना है, सर्विस रोड पकड़ के सीधा वो नाइस रोड पे उठा देगी। बट किस्मत बीइंग किस्मत, ट्रैफिक मिल गया भाई। इस पूरे ट्रिप में हमको ट्रैफिक नहीं मिली, चिकमंगलूर में वीकेंड में हम घूम रहे थे वहाँ पे भी ट्रैफिक नहीं मिली, बट यहाँ वापस आते वक्त बेंगलोर में घुसने के जस्ट पहले ही ट्रैफिक। चलो अपने पास बाइक है तो बगल बगल से धीरे धीरे निकला जाए। बाप रे बाप, यहाँ पे कुछ तो इवेंट हो रहा है जिसके वजह से नाइस रोड के उठने के ठीक पहले बहुत सारे लोग खड़े थे, हेविली क्राउडेड, एंड इसके वजह से ऑटो वगैरह वहाँ पे रोड मतलब रास्ते पे खड़े हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक और जैम हो रहा है। पुलिस खड़ी थी बट टू नो अवेल। एनीवे नाइस रोड उठ चुके हैं, यहाँ से मेरा घर एग्जैक्टली 49 किलोमीटर्स दिखा रहा है। नाइस रोड पर भी हमको बारिश मिलती हुई, ऐसा लग रहा है हम बारिश को चिकमंगलूर से खींच के यहाँ ले गया है, हमारे साथ साथ जा रही है बारिश। और आखिरी टोल क्रॉस करते हुए अब सीधे जाके होसू रोड में उठेंगे,
15-20 मिनट में घर। सो गाइज वी जस्ट रीच्ड होम, एग्जैक्टली 6 बजे हम पहुँचे एंड वी स्टार्टेड एट अराउंड 11:15। सो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ट्रैफिक जो हमको नाइस रोड चढ़ते वक्त मिला, और ऊपर से बारिश भी थी बीच बीच में, तो इट स्लोड अस डाउन, बट नेवरदलेस वी रीच्ड बाई 6 o'clock विच वी थॉट वी वुड व्हेन वी स्टार्टेड। तो इस व्लॉग में, इनफैक्ट इस सीरीज़ में, दिस इज़ द लास्ट व्लॉग, तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और हमारा लॉन्गेस्ट राइड टिल डेट सफल रहा, इससे लंबी राइड लगानी अगली बार। हाँ, बहुत जल्द लगाएंगे वो, तो वो देखते हैं कहाँ जाएंगे, बट फिलहाल इस ब्लॉग के लिए यहीं तक रखते हैं। बहुत टायर्ड है अभी, चेंज वेंज करके फ्रेश फ्रेश होके सो जाएंगे मोस्टली जल्दी। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों देन प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाए बिना मत जाना, और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड कीप मोटिवेटिंग अस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। दिस इज़ आभाष योर होस्ट साइनिंग ऑफ।